आज का हमारा खाना होने वाला है रोटी और दाल। चाहे कितनी भी हो कमाई अपनी, खाइए दाल रोटी और चटनी। इसी तरह का हमारा आज का लंच होने वाला है भाई, दाल रोटी और चटनी। कोई भी बड़ी फैक्ट्री केवल फैक्ट्री नहीं होती दोस्तों, बल्कि वह होती है एक मंदिर जहां हजारों लोग रोज जाकर कर्म पूजा करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, साथ ही साथ देश की प्रगति को आगे ले जाने में भी अपना योगदान देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। साथियों, आज मैं आया हूँ बलौदा बाजार में। यहाँ अंबुजा सीमेंट का एक षडयंत्र है, यहाँ उनका कारखाना, यहाँ का हमने कोयला लोड किया हुआ है भाई। अभी लंच टाइम हो रखा है, जा रहे हैं खाना खा लेते हैं। सामने होटल है एक, यह इनका सीमेंट गाड़ियों के लिए पार्किंग यार्ड है। पीछे ड्राइवर सेटलर है, यहाँ खाना वाना बनाते हैं ड्राइवर लोग सब। भाइयों, यहाँ का एक कैंटीन है, यहाँ खाएंगे खाना हम लोग। दोस्तों, कहा गया है आज का हमारा खाना होने वाला है रोटी और दाल। साथियों, किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, चाहे कितनी भी हो कमाई अपनी, खाइए दाल रोटी और चटनी। इसी तरह का हमारा आज का लंच होने वाला है भाई, दाल रोटी और चटनी। ठीक है, खाना खाने के बाद मिलते हैं। ये देसी नहीं तो मोडिंग नहीं। भाइयों, खाना हो गया, अब हमें ट्रेनिंग लेना होगा डीटीसी करके। यहाँ इनका एक है, कब आएगा भाई? भाइयों, लंच हो गया है, अब हमें करना होगा डीटीसी। यहाँ अंबुजा सीमेंट संयंत्र का अपना एक ट्रेनिंग सेशन होता है, आप यहाँ लोडिंग के लिए आइएगा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में, तो आपको यहाँ एक ट्रेनिंग देना होगा। चाहे आप जितना भी अनुभवी ड्राइवर हो, लेकिन इनका एक ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ ये ड्राइवर को ट्रेनिंग देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद एक लाइसेंस के जैसा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस तरह का एक प्रोसेस होना अभी बाकी है भाई, मेरा हो रखा था, बाकी 6 महीने में उसका फिक्स रिन्यूअल डेट आ जाता है। तो रिन्यूअल का डेट आ गया है, तो इसलिए अब हमें डीटीसी कराना होगा भाई। इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया बड़ी मुश्किल में, देखिए ये पास दिए हैं। अब जा रहे हैं गाड़ी की ओर, गाड़ी अब हमें अंदर करना होगा और फिर कोयला अनलोड करना होगा। देखिए उसके बाद क्या प्रोग्राम मिलता है, सीमेंट का ही प्रोग्राम मिलेगा, वही तो हमारा प्राइमरी मटेरियल है भाई। गाड़ी अंदर हो गई है, देखिए तारपोलिन खोल रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ खोलना पड़ता है भाई, फैक्ट्री है ना। अभी अब सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ेगा हमें, और फिर इसके बाद यहाँ जाके तरपोलिन ओपन करना पड़ेगा। सीमेंट प्लांट में इन कर गए हैं दोस्तों, अभी देखिए क्या होता है, खाली हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आपको क्या मैं दिखाऊं, देखिए रात का समय है, नहीं तो फैक्ट्री का कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता। बेसिकली एक सीमेंट फैक्ट्री पूरा गांव होता है, बहुत बड़े एरिया में फैला होता है भाई, बहुत बड़ा षडयंत्र होता है। चलो ठीक है, और कभी आएंगे यहाँ तो आपको दिखाएंगे भाइयों। यहाँ का सिनारियो कुछ ऐसा है, गाड़ी हमारी अंदर हुई है होने को, लेकिन खाली नहीं हो पाएगी लग रही है, क्योंकि देखिए रात में, देखिए रात का काम ही ऐसा रहता है, ढीला ढाला। कहीं भी आप माइंस में चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, रात का समय रहता है आराम का। तो देखिए अब गाड़ी खाली नहीं हो पा रही है, तो बाहर से खाना हम लोग ले आए हैं, क्योंकि हमारा जो स्टोव वगैरह रहता है वो बाहर ही उतरवा दिया जाता है, तो बाहर से हम खाना ले आए हैं। खाना वाना खा के अब बस बैठे भाइयों। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग है इसको अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं। अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।